आज के हमारे वीडियो में हम बनाने वाले हैं खिले खिले पोहे। पोहे को आप कभी भी नाश्ते में झटपट बनाकर खा सकते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने सब्जियों में एक आलू लिया है, इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, एक गाजर, एक प्याज लिया है, इसे भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है और दो हरी मिर्च ली है और 5 हरी मटर को छील के लिया हुआ है। सब्जियां आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे पोहा को अच्छी तरीके से धो के लिया हुआ है। हमने यहाँ पे मोटा वाला पोहा लिया है, कोई भी पोहा यूज़ कर सकते हैं। हमने कढ़ाई में सरसों तेल गर्म होने के लिए रखा था, तेल गर्म हो गया है। इसमें अब हम कटी हुई प्याज, आलू और गाजर को भी डालेंगे और हमने जो दो हरी मिर्च ली थी उसे भी डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, सब्जी के अनुसार नमक डालेंगे और हरे मटर को डाल देंगे। फिर सभी चीज़ों को मिलाकर इसे ढककर सब्जी के पकने तक पका लेंगे। ये देखिए 5 मिनट बाद अब हम सब्जी को चेक कर लेंगे। हमारी सब्जी अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच गरम मसाला, अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें पोहे को डालेंगे, फिर सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। मिला लेंगे। मिला लेने के बाद इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। पाँच मिनट हो गए हैं, अब हमारा पोहा बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना टेस्टी पोहा बना है, इसे आप ब्रेकफास्ट में झटपट बनाकर खा सकते हैं। देखिए हमारा पोहा कितना अलग अलग खिला खिला बना है। इस तरीके से पोहा बनाकर आप ज़रूर ट्राई करें। इसके ऊपर हम धनिया पत्ता डाल देंगे, फिर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा टेस्टी पोहा बनकर बिल्कुल रेडी है, इसे हम सर्व कर लेंगे। हमने पहले इसे एक प्लेट में निकाला है, अब इसके ऊपर कटी हुई धनिया पत्ता डालेंगे। अब हम इसके ऊपर सेव डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें सॉस भी डाल सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे नींबू रखा है, अगर आपको नींबू का रस पसंद है तो इसमें आप नींबू का रस निचोड़ के भी डाल सकते हैं। हमारा टेस्टी पोहा बनकर अब बिल्कुल रेडी है, इसे आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।